आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बर्नी। आप देख रहे हैं द बर्नी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए हैं वो सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस और हिंदुस्तान से उनका रिश्ता, और हिंदुस्तान में भी खास तौर से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उनका एक खास रिश्ता है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी। 19 फरवरी को क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हिंदुस्तान आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करने पहुंचे, गले लगा करके उनका स्वागत किया। वो हिंदुस्तान में रहे, कई सारे एमओयू साइन किए गए। 850 भारतीय नागरिक जो सऊदी अरबिया की जेलों में बंद हैं उनको रिहा करने का भी आदेश किया गया। हज का कोटा बढ़ाया गया, 25,000 लोगों की तादाद बढ़ाई गई। अब 2 लाख हिंदुस्तानी हर साल हज के लिए जा सकते हैं। लेकिन क्राउन प्रिंस का यह दौरा कोई पहला दौरा नहीं, इससे पहले भी उनकी पुश्तैनी नस्लें, उनके दादा हिंदुस्तान आ चुके हैं और खासतौर से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उनको डिग्री दी गई थी। 1955 में प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के दादा किंग शाह सऊद बिन अब्दुल अजीज 1955 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन मतलब के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, चीफ गेस्ट बनकर के आए थे, और उनको बाकायदा डिग्री दी गई थी, LLD यानी कि डॉक्टरेट ऑफ लॉ की मानद उपाधि, ऑनरेरी डिग्री उनको दी गई थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से। उस समय में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर जाकिर हुसैन हुआ करते थे, और जो बाद में हिंदुस्तान के राष्ट्रपति भी बने, और यहाँ के चांसलर वोहरा समुदाय के धर्मगुरु सैयदना ताहिर सैफुद्दीन चांसलर हुआ करते थे। यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के उर्दू एकेडमी के डायरेक्टर प्रोफेसर राहत अबरार ने ये बाकायदा फोटोग्राफ्स दिए हैं, उन्होंने सबकी जानकारी दी हमें, हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं इसके लिए। उन्होंने बताया कि छात्र संघ की आजीवन सदस्यता भी किंग शाह सऊद बिन अब्दुल अजीज को दी गई थी 1955 में ही, और उसके बदले में किंग शाह अब्दुल अजीज ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए एक बड़ा दान दिया था। 1956 में शाह सऊद बिन अब्दुल अजीज ने एएमयू को 1 लाख रुपए चंदे के तौर पर दिए थे। 1955 में एक बड़ी रकम होती थी, 1955 में 1 लाख रुपए दिए गए थे। एक डेलीगेशन बाकायदा सऊदी अरबिया गया था जिसमें नवाब छितारी भी गए थे। उस डेलीगेशन में उन्होंने वहां जाकर के रिक्वेस्ट की थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए चंदे के लिए, जिसके बाद किंग शाह सऊद बिन अब्दुल अजीज ने 1 लाख रुपए चंदा दिया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए। ये इतिहास है जो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का इतिहास है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है। हम उनको मुबारकबाद देते हैं कि वो फिर से हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए और फिर से हिंदुस्तान से बेहतर रिश्ते बनाए। आज के प्रोग्राम में इतना ही। हमारी आपसे दरखास्त है कि इस प्रोग्राम को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, @ शहजाद बर्नी पर जाकर के आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।